हेलो भाई। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी जो जिमनी आती है उसको 5 डोर के अंदर इंडिया के अंदर आज अनवील कर दिया है। इंडिया के जो ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रहा है उसके अंदर प्राइजिंग को अभी तक अनवील नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ी को कम्प्लीटली तरीके से दिखा दिया गया है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको 2 ही वेरियंट्स अवेलेबल है। एक आपको मिलता है जेट्टा, एक मिलता है अल्फा। जेट्टा की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 ही वेरिएंट्स अवेलेबल है, जेट्टा और अल्फा। इस वीडियो में हम आपको अल्फा के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आपको बता दूं, अल्फा जो वेरिएंट है आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के अंदर मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड आपको 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले इंजन की बात करो तो आपको K15 सीरीज का जो पेट्रोल इंजन है वो मिलता है, जो 104 BHP की पावर जनरेट करता है, 134 Nm का आपको मिल जाता है टॉर्क इस गाड़ी के अंदर। देखो डायमेंशन वाइज बात करी जाए तो इसकी लेंथ आपको देखने को मिलने वाली है 3985 mm की, वहीं अगर मैं इसके विड्थ की अगर बात करूं तो 1645 mm की देखने को मिल जाएगी, और हाइट जो देखने को मिलने वाली 1720 mm की, और इसका जो व्हील बेस है वो आपको मिलेगा 2590 mm का। वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, और वहीं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 4 बंदों के लिए गाड़ी है जो बनाई गई है। बाकी इसके अगर बात कर लेते हैं कि मैं आपको जो बूट स्पेस है वो 208 लीटर का आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ इस गाड़ी का जो ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो इसके अंदर आपको जो अप्रोच एंगल आपको मिलेगा 36 डिग्री का, और डिपार्चर एंगल मिल जाएगा आपको 50 डिग्री का, और वहीं अगर आपको किसी रैंप या ब्रेकर पे से निकालना है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा 24 डिग्री का। और फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, रियर के अंदर आपको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट से एक्सटीरियर के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक्सटीरियर डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके जो आपको जो व्हील्स हैं जो आपको अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, और हार्ड टॉप के अंदर ये गाड़ी आती है। उसी के साथ साथ आपको जो गन मेटल की जो ग्रिल है वो फ्रंट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर आपको जो एक्सटीरियर के अंदर आपको जो इसका जो टेल गेट है उसी के अंदर आपको जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं, हेडलैम्प के वॉशर जो आपको फ्रंट के अंदर जो हेडलैम्प्स के वॉशर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स आएंगे, फॉग लैम्प्स आपको मिल जाएंगे, डार्क ग्रीन ग्लास आपको देखने को मिल जाएंगे, ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेंट फोल्डेबल दोनों कर सकते हो, जो डिफोगर है इनकी बैक डोर का जो डिफोगर है वो मिल जाएगा, वॉशर भी आपको देखने को मिल जाएगा और वाइपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप डे नाइट IRVM आपको मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और फ्रंट केबिन लाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वक्त की जाए एयरबैग्स की तो आपको साइड एंड कर्टन एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बेस्ट वेरिएंट से ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको आते हैं, ब्रेक असिस्ट आपको फीचर मिल जाएगा, ABS विद BD, ESP हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट फंक्शंस मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, साइड इंपैक्ट डोर बीम मिल जाएगा। वहीं आपको बात करो तो सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाएगी, 3 पैसेंजर्स के लिए आपको 3 सीटें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल की अगर फीचर्स की अगर बात की जाए तो उसे स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल एंड आपको लेदर रैप्ड सीटें मिल जाएंगे, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको पावर विंडो अप एंड डाउन आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको बात करी जाती है इस गाड़ी के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक टिल्ट मिलेगा आपको, स्टेयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक आप नहीं कर सकते, ऑल 4 पावर विंडो जा जाती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी सेंटर डोर लॉक आपको मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएगा, टेकोमीटर आपको मिल जाएगा, सेंटर के अंदर आपको एक कंसोल आपको जो मिलेगा उसके अंदर आपको जो फ्लोर पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी, और जो इसके जो क्लस्टर है उसके अंदर आपको 7 इंच की आपको एक और मल्टी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर बात की जाए तो फ्रंट एंड आपको रियर के अंदर आपको ट्विन हुक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस गाड़ी का जो टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मिलेगा 22.86 cm का, और एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ में आपको देखने को मिलेगा, और स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे 4 इस गाड़ी के अंदर। तो ये भाई था इस गाड़ी का आपको जो टॉप एंड वेरिएंट आता है यानी कि अल्फा, उसके अंदर आपको क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप इसका इंटीरियर एक्सटीरियर का डिजाइन भी आप देख सकते हो, काफी अच्छे फीचर्स के साथ में ही गाड़ी आई है। बाकी महिंद्रा थार इसका जो मेनली आपको जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको महिंद्रा थार इससे ज्यादा एक प्रैक्टिकल गाड़ी लगती है या ये आपको जो 5 डोर के साथ में ये लगेगी। अब आपको आप देखने जाओगे तो महिंद्रा थार आपको 2 डोर यानी कि 3 डोर के साथ आती है, आपको 5 डोर के साथ में आती है, तो ज्यादा कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट की अगर बात की जाए तो आपको यही गाड़ी लगने वाली है। बाकी प्राइसिंग अभी तक अनवील नहीं की गई, बुकिंग्स ओपन है, आप गाड़ी की बुकिंग करा सकते हो जाकर डीलरशिप पर। बाकी बस इस वीडियो में तो इतना ही था यारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जा सकते हो।